इट विल बी अ रैंडम व्लॉग, आई होप यू विल एंजॉय इट। कोशिश करूँगा सिनेमैटिक शॉट्स जो हैं जितने मैं इस व्लॉग में कवर कर सकूँ वो मैं करूँ। यहाँ जद्दा से निकलेंगे, विल क्रॉस मक्का, मक्का से ताइफ जाएंगे और ताइफ से इंशाल्लाह आगे अलबाह की तरफ जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे हैं, वी हैव टू क्रॉस द सिटी ऑफ मक्का और माशाल्लाह सामने हमें 10 माइल के तकरीबन डिस्टेंस से जो है क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिलकश मंजर है। इस टाइम मक्का मुकर्मा पहुंच चुका हूं और यहां पे फजर की नमाज जो है एक जामिया मस्जिद में अदा की है, बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते होंगे। कोशिश तो मेरी थी कि मस्जिद हरम में जाके फजर की नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन बहरहाल कुछ लेट हो गए तो जिसकी वजह से मस्जिद हरम के पास ही मेरे रास्ते में जो है इस जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। अब आगे चलते हैं और अपना ताइफ का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। मक्का से निकलते साथ ही ताइफ के रास्ते में इस टाइम एक यहाँ पर गैस स्टेशन पर मौजूद हूँ, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, आपको मैं जो है ये दिखाता हूँ पेट्रोल स्टेशन। अब हम तकरीबन मक्का को एग्ज़िट कर रहे हैं, ये मकाम है अराफात का और यहाँ से आगे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हदा माउंटेन्स। जो टर्न्स है ना वो बहुत ही शार्प हैं और बड़ी ही केयर से जो है कार चलानी पड़ती है, और दूसरा हाई आरपीएम पे कार चलती है आमतौर पे, क्योंकि आप स्लो तो चला नहीं सकते इधर, आपको 80-90 के ऊपर कम से कम कार रखनी है और आरपीएम आपके चलते हैं फिर 4-5 हज़ार आरपीएम पे गाड़ी चलती है। सो गाड़ी भाई इधर बहुत फिट होनी चाहिए इस रूट के लिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, एक तो सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर से बादल भी आए हुए हैं, सो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इस टाइम काफ़ी बेहतर है, तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देखें जी ये ऊपर ब्रिज देखें, कितना खूबसूरत ब्रिज है, क्या बात है। ख़ास बात है कि ग्रीनरी का जो कलर आपको ताइफ में नज़र आता है ना वो सऊदी अरब में किसी और शहर में नहीं नज़र आता, और उसकी वजह ये भी है कि ऐसी हदीस भी आती है या ऐसी रिवायत ज़रूर है कि ताइफ की जो मिट्टी है वो शाम से लाई गई है, ये लोकल नहीं है। अब क्या ताइफ तकरीबन हमने अभी क्रॉस किया है और ये एक तंदूर की दुकान है यार, इस पर रुके हैं कुछ खाने छाने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह करें फ्रेश हों, और इसके साथ ही एक और रेस्टोरेंट है वहाँ से सालन पकड़ेंगे और इसी तरह आज नाश्ता ज़रा चलते फिरते करते हैं। ऑर्डर तो यार हमने कर दिया है और सरप्राइजिंगली अभी आएगा तो पता चलेगा कि क्या आता है, तो इसके बाद मैं इस नीचे जाते हुए वापसी पे इस होटल की लोकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ और कोई फीडबैक भी जो होगी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जनाब ये आया खाना हमारा जी, नाश्ता, और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं यार इसके अंदर क्या क्या है। लो यार आज हेल्प करो इसको थोड़ा खोलो, ये तो यार कलेजी लग रही है, और इसके अंदर कोई मटन से रिलेटेड कोई चीज़ है। शेख इश सम हादा मुशक्कल हादा इश मुगलगल हादा इश किबदा, यार टेस्टी तो है लेकिन ये है कि है कलेजी और साथ ओजड़ी मिक्स है, तो बाकी मूड अपना अपना सबका, लेकिन हमें भूख लगी भी थी तो बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है जी। यार बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना दाल का इन्होंने बनाया हुआ है सूप, ऐसे लग रहा है कि भाई
गोश्त जो है ना उसकी यखनियाँ निकाल के अंदर मिक्स की हुई हैं। यार ये रेस्टोरेंट जो है ताइफ से तकरीबन अलबाहा की तरफ जाते 10 किलोमीटर के बाद आता है। बस यार खाया और अच्छा लगा है, बस अल्हम्दुलिल्लाह वाला अच्छा लगा है और अच्छा था। कुछ ज़्यादा यार कुछ ज़्यादा कोई इस चीज़ का ओजड़ी और कलीचियों का पसंद तो नहीं करता मैं, लेकिन बहरहाल भूख ऐसी थी कि चल गया। लेकिन यहाँ पे आप पीछे रश देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक कि ये यहाँ का काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। यार यहाँ पे खजूरों का बाग है, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ खजूरें इस टाइम तैयार लगी पड़ी हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी ताज़ा खजूर है बिल्कुल, आज ही ट्रक से उतरी है। बड़ी मीठी खजूर है यार, बहुत बहुत मीठी खजूर है। सबसे बड़ी बात यार क्यों नहीं होता, जूसी जूसी सी भीगी भीगी सी जो इसके अंदर टेस्ट आता है वो आ रहा है। ताज़ा लाल खजूरे हैं भाई, बहुत ही मज़ेदार। आपने इतनी इस तरह दरख्त से उतार के शायद मैंने पहली या दूसरी दफ़ा ही खाई है। आजकल खजूरें पकने का मौसम है, अगस्त का महीना है, खजूरें तैयार हैं और बहुत मज़ेदार हैं। इनका आप बाकी बाग जो है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अब अलबाहा सिटी में पहुंच चुका हूं। इस शहर का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, एक हिल टॉप के ऊपर यह शहर मौजूद है, लेस पॉपुलेटेड है और मौसम भी यहां का काफ़ी अच्छा है। जी तो अब मैं अलबाहा के अंदर जो है, आज फ्राइडे का दिन है और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूं। यार यहां पे मस्जिद थोड़ी छोटी छोटी सी हैं और थोड़ी सी हिल्स के ऊपर जाके हैं, एक बड़ी छोटी सी मस्जिद एक हिल के ऊपर जो है मैं आया हूँ। आपको ये मस्जिद भी दिखाता हूँ और इस मस्जिद के सामने जो व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारी हल्की हल्की सी हवा चल रही है और हवा के अंदर एक ख़ास सी जो है ना इस जगह की लोकल खुशबू है और एक मज़ा है इस हवा में। यहाँ ये पीक के ऊपर जो है वाटर टैंक है और यही अलबाहा के पूरे इस एरिया के अंदर जो है पानी प्रोवाइड करता है, पीक पे बनाया गया वाटर टैंक। तो अब मैं विज़िट कर रहा हूँ अलबाहा सिटी के अंदर अलशलाल वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत है और मौसम भी यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो चुका हुआ है जिसकी वजह से यहाँ वाटरफॉल के किनारे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जितना भी पानी नज़र आ रहा है हमें, ये सब का सब तकरीबन यहाँ पे चश्मों का पानी है। यहाँ
यहाँ पे पास ही में सिटिंग एरिया भी काफ़ी बनाया गया है, कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह भी हैं और लोग यहाँ पे आके खुद से भी कैंपिंग करते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। विजिट कर रहा हूँ अलमलत विलेज को, ये है यहाँ अलबहा में। मेनली तो यहाँ पे दो फोर्ट्रेस हैं और वो दो भाइयों के होते थे और ये फोर्ट्रेस यूज़ होते थे इस इलाके की सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ के ट्राइब्स के। चले आपको ये जगह दिखाते हूँ मज़ीद, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ सिटिंग एरिया बनाया गया है, ओहो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी हवा चल रही है और ये जो लालटेनें लगाई हुई हैं आई थिंक ये रात को जो है इसके अंदर ये बल्ब जलेंगे और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत लगेगी, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आइए ज़रा फोर्ट्रेस को देखते हैं, अगर फोर्ट्रेस ओपन है तो इसको विज़िट करते हैं फोर्ट्रेस को। फोर्ट्रेस के बिल्कुल बेस के पास हुआ। अच्छा ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये चेक कीजिए क्या पुराना ज़माना याद आ जाता है। बाकी जो है प्रिजर्व की भी है इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री को, और आई डोंट नो इसको छापा ही जानता हूँ यार जिसको कहते हैं, इसके अलावा तो वर्ड अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये तो यार अंदर से म्यूजियम बनाया गया और यहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो है मौजूद है, जैसे कि ये जी कावों के शौकीन जो है ना इस इलाके के लोग हमेशा से ही हैं और उससे रिलेटेड काफी चीजें हैं यहाँ पे। ये तो जी वो कुएं से निकालने वाला पानी निकालने वाला लग रहे हैं, मशकीजे नीचे लटके हुए हैं। माशाल्लाह ये देखें पुरानी जूतियाँ, वो चमड़े की वो बनी हुई, वो जो एक पुराने ज़माने की देखते हैं। ये दरवाज़ा कितना ही पुराना है वो, लेकिन लकड़ी का कमाल देखें कि उस लकड़ी के ऊपर जो काम हुआ है वो अभी भी वैसे का वैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये कुछ बर्तन वगैरह मौजूद हैं, आरी कुल्हाड़ियाँ कुर्सियां और ये कुछ बर्तन वगैरह भी इस जगह पे है। और छत इसकी अभी भी वो पुराना लेंटर जो है ना वो पुराने दरख्तों से जो छत बनाई जाती थी वो है। अच्छा इन्होंने भी वो पुरानी ट्रेडिशन को अभी तक जिंदा रखने के लिए लालटेन यूज की भी और इसके अंदर बल्ब है। बहुत ही प्यारा लग रही है जगह। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं कवर करूंगा वहाँ की रिमेनिंग टॉप लोकेशंस को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।